जय हिंद दोस्तों, आज लंब वृत्तीय बेलन का लास्ट पार्ट है। आज बेलन ख़त्म हो जाएगा, जो इतने दिनों से आप लोग बेलन पढ़ते आ रहे हैं, आज ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे आज का पहला क्वेश्चन, आज के पहला क्वेश्चन है कि बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर क्या होता है। देखो, ये बेलन है, और अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो सिर्फ इतने होगा, यही वाला, मतलब सिर्फ यही होगा, यही होगा, यानी कि 2πr(s) बस। लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर वाला भी आ जाएगा और ये जो नीचे वाला है ये भी आ जाएगा, तो ही हो गया πr² πr² बस, यही दोनों का अंतर होता है। तो डायरेक्ट आप अंतर लिख सकते हो 2πr² आने का। और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, हम तो बनेंगे करेंगे, हम तो जब तक नहीं बनाएंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। तो ठीक है भाई, बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दो। अब बेलन के पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखोगे, 2πr(h) प्लस में 2πr², उसमें से घटा दो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2π। लो आ गया कट के वही चीज। वाह, तो किसी किसी को लिखने का आदत होता है फालतू में, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम टीचर्स की बात कर रहे हैं, कि अगर ऐसे लिख दोगे तो उनको बुरा लग जाएगा कि आप ऐसे क्यों लिख रहे हैं। तो ठीक है, उनके लिए आप दिखा दीजिए कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूला लिखिए और उसमें से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस कर दें तो वही आएगा। लेकिन अगर आपको समझ में आता डायरेक्ट आंसर लिखो 2πr², कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दो समान ऊंचाई वाले बेलन की त्रिज्या का अनुपात दो अनुपात 3, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, आयतनों का उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए, दो समान ऊंचाई वाले बेलन की त्रिज्या का अनुपात 2:3, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो दो बेलन, एक बेलन
दोनों की ऊंचाई आपस में समान। अगर इधर ऊंचाई h है तो इधर भी ऊंचाई h है, फर्क किस बात के, इसका त्रिज्या अगर 2 है तो इसका त्रिज्या 3 है बस। तो भी वन अनुपात भी तो पूछ रहा, मतलब दोनों के आयतनों का अनुपात। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, आर वन कर दो 2h1, ये वाला हो गया पाई आर स्क्वायर आर टू, पाई से पाई एच से एच कैंसिल क्योंकि दोनों का हाइट बराबर था, आर स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर। आप चाहो तो ऐसा x लगा सकते हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, r माने 3x के होल स्क्वायर क्योंकि अनुपात में है, तो x x लगा दीजिए उससे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऐसे भी कटने वाला है। तो आंसर जो आएगा उच्चार अनुपात 9। दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व। तीसरा नंबर क्वेश्चन किसी बेलन का आयतन बराबर भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ए सिद्ध करें कि 2b बराबर ar होगा, इतना प्रूफ करना है। देखो जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि 2b बराबर ar दोनों आपस में बराबर है। देखते हैं 2b मैंने क्या बेलन का आयतन, अब बेलन के आयतन के सूत्र होता है पाई स्क्वायर एच, ए क्या है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र होता है 2πrh गुने आर, 2πr²h उधर जरा देखो 2πr²h, ऐसे देखने में भले ही दोनों अलग अलग लग रहा था लेकिन अब तो दोनों एक जैसा लग रहा है। पता नहीं कहीं नंबर क्वेश्चन है, नंबर वो बोल जाते हैं। चौथा होगा शायद, किसी बेलन की त्रिज्या दुगुनी तथा ऊंचाई
आधी करने पर मूल बेलन तथा नए बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा? देखो, मूल बेलन तथा नए बेलन, तो ऐसे तो अगर बात की जाए कि मूल बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि त्रिज्या दोगुनी है, और ऊंचाई आधी, NH बाई टू, तो नए बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। लेकिन आर स्क्वायर तो देना ही नहीं, आर तो डबल हो गया, तो टू आर स्क्वायर। एच मतलब एच बाई टू, हाँ पाई दो के स्क्वायर फोर आर स्क्वायर एच बाई टू, इसे कैंसिल दो बार में, तो हो गया टू पाई आर स्क्वायर एच। नए बेलन का आयतन इतना हो गया और मूल बेलन का आयतन उतना था। करना क्या, दोनों का अनुपात निकालना है, मतलब मूल बेलन का आयतन अनुपात नए बेलन का आयतन। मूल बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, नए बेलन का आयतन हो गया टू पाई आर स्क्वायर एच। कट के आंसर आया है 1:2। क्वेश्चन नंबर 5। 3 मीटर त्रिज्या तथा 7 मीटर गहरा कुआं खोदने में ₹60
प्रति मीटर क्यूब की दर से क्या लागत होगा? देखिए 3 मीटर त्रिज्या है, 7 मीटर गहरा कुआं है, यानी कि आर बराबर 3 मीटर, एच बराबर 7 मीटर, गहरा कुआं खोदना। तो जाहिर सी बात है कि कुआं खोदना है, मतलब कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, या फिर डायरेक्ट बोलो कि वो बेलन है, कुआं जो है बेलन के जैसा है, तो बेलन का आयतन हो जाएगा कुआं। जाहिर सी बात है कि इसी तरह से होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि कुएं की त्रिज्या है, कुएं की ऊंचाई, तो पाई और स्क्वायर एच। पाई मैंने 22/7, आर स्क्वायर मैंने 3 × 3, और एच मतलब 7, 7 से 7 कट गया, 198 मीटर क्यूब। लेकिन अगर खर्च बताना है कुएं के खोदने में कितना लागत लगा है, तो 198 मीटर क्यूब में 60 रुपया प्रति, यानी 60 रुपया से गुना करना होगा। 0, 8×6 = 48 के 8, 8×4 54, 54 × 4 58, 8×5 इतना रुपए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 अगला क्वेश्चन। बताएं या फिर छोड़ दें, टाइम को देखते हुए एक क्वेश्चन बताते हैं। जाते जाते लास्ट क्वेश्चन, हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन तो पहले भी बताए, पहले भी कहीं बतावल है, बताए हैं, वही वाला फिर से एक बार रिपीट हो जाएगा। इसमें ए और बी था, यहाँ एक्स और वाई है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल आई एक्स स्क्वायर, था ऊंचाई वाई है,
वक्र पृष्ठीय बताएं। देखिए बेलन है, इसके आधार का क्षेत्रफल पाई एक्स स्क्वायर है। अब बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई एक्स स्क्वायर, लेकिन हम तो फॉर्मूला जानते हैं पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कट गया, तो आर बराबर एक्स। और एच बराबर दे ले हैं वाई, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल टू पाई आर एच। टू पाई मैंने 22/7, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कटने वाला है ना, आर मैंने एक्स है, एच मैंने वाई है, तो पूरा मिला जुला के हो गया 2πxy। कभी हम ए और बी पे बताएं कि एक्स की जगह पे ए था, अब वाई की जगह पे बी था। तो बेलन हो गया ख़त्म। बेलन के बाद नंबर आता है शंकु का, तो शंकु वाला वीडियो आपको कल से मिलेगा, ठीक है, आज भर नहीं मिलेगा, शंकु का वीडियो कल मिलेगा। और कल लगातार शंकु मिलेगा एक घंटा के लिए आपको, जैसे बोले थे ना 6:30 बजे से, आज भर नहीं, आज बस 20 मिनट से काम चलाइए। कल से 15-15 मिनट करके 4 वीडियो लगातार बैक टू बैक आपको प्रोवाइड करवा देंगे। 4 वीडियो में तो शंकु ख़त्म हो जाएगा एक घंटा में, उसके बाद अगले दिन गोला ख़त्म कर देंगे। इस तरह से आपका मेंसुरेशन ख़त्म हो जाएगा। चलते चलते आपसे यही हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहता है, क्लास को लाइक करके जाना है, बिना लाइक कर ले मत जाना। मिलते हैं कल 1 घंटे के लिए, आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।